खबर रीवा से है, जहां प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े और काफी संख्या में पुलिसकर्मी समाज सेवी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सतत प्रयास कर रहा है, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों को समय पर अस्पताल पहुंचाने, जागरूकता में सहयोग करने वालों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय बेल्ट अवश्य लगाएं, साथ ही नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की गई। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं अधिकारियों ने क्या कहा है। जो समाज में अपराध करके समाज को भयभीत करने का प्रयास करते हैं और समाज में एक भय का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमारे पुलिस अधिकारियों ने काफी वीरता और हिम्मत अमली से पार करके समाज में शांति और अमन चैन स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं ऐसे अधिकारियों को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और हमारे आगंतुकों के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में थाना कोतवाली क्षेत्र में और उसमें महत्वपूर्ण प्रकरण में सजा हुई है, कृपया आप भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसी टीम के सदस्य के रूप में आरक्षक मुकेश यादव कोर्ट मुंशी, राज राम कुमार भास्कर कोर्ट मुंशी, आरक्षक रजनीश कुमार यादव कोर्ट मुहर, आरक्षक आनंद अग्निहोत्री वारंट मुंशी, ये थाना आदरणीय जो अभी आदरणीय शैलेन जी ने जिन लोगों का नाम आमंत्रित किया है, कृपया शीघ्रता से और अपने प्रमाण पत्र ग्रहण करके कृपया अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। सभी सम्मानित महानुभाव, बस मैं आप सबसे इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये अपील करना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग हमको इसी तरह मिलता रहे, जिससे कि हम रीवा जिले में एक्सीडेंट चढ़ने वाली डेथ को कम कर सके। और इसके लिए हमको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है और सतत रूप से हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहेंगे अवेयरनेस के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, जिसमें आप सबका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे साथ लगातार जिस तरह से कलेक्टर साहब ने शुरुआत कराई है, बैठक हॉल में ना होते बैठक उस जगह पर जाकर होगी जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका काफी इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ सभी का सहयोग हमको इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो उसके लोग कैसे मदद करें, एक तो यातायात नियमों का पालन करें। इस संपूर्ण कार्यक्रम को हमने बहुत बेहतरीन बनाने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया है। आज इसी कार्यक्रम के तारतम्य में हमने कुछ बच्चे जिनने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन सर स्कूल में किया था, स्कूलों में जिनने अच्छा अच्छे से ट्रैफिक रोड सेफ्टी के बारे में बोला और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए, सर सारे बच्चों को आज हमने बुलाया है और उनको आपके माध्यम से उनको रिवार्ड देने के लिए। सर इसके अलावा सर पांच जो शिक्षक लोग आए उनको भी हम सर रिवार्ड दे रहे हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।